दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा रानी ने एक बार फिर से फैंस का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि फुकरा इंसान जो है वो जिया शंकर से झगड़ने के बाद रूठकर गार्डन एरिया में आकर बैठ गए थे और इस दौरान वो काफी ज्यादा परेशान थे। क्योंकि दोस्तों आज जिया शंकर ने जो हरकत की है कहीं ना कहीं बिल्कुल गुस्सा आना जायज बात है। और इस दौरान फुकरा इंसान गुस्सा होकर गार्डन एरिया में आकर अकेले बैठ गए और इस दौरान मनीषा रानी ने अपनी तरफ से सच्ची दोस्ती निभाते हुए फुकरा इंसान के लिए परांठा बनाकर लेकर आती है और फुकरा इंसान को लाकर परांठा पकड़ाती है और फुकरा पूछते हैं कि क्या लेकर आई है, जिस पर मनीषा बताती है कि आलू का परांठा बनाकर लाए हैं हम तेरे लिए। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनीषा रानी फुकरा इंसान से पूछती है कि एक बात बता, तू अचानक से ऐसे गुस्सा क्यों हो गया था? जिसके बाद फुकरा इंसान बताते हैं कि मैं गुस्सा नहीं हुआ था, मैं जिया को बोल रहा था कि सुन मेरी बात, लेकिन वो उस चीज को अलग ही टोन में लेके जा रही है। देखा नहीं तूने कैसे गुस्सा कर रही है, इग्नोर कर रही थी पहले मेरे को, फिर मैंने जब थोड़ा सा तेज क्या बोल दिया मेरे पे चढ़ गई आके। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनीषा रानी ने कहा कि मैंने तो उसको काफी समझाया है लेकिन तू भी थोड़ा सा ध्यान रख। और इसके बाद में मनीषा रानी यहाँ पर फुकरा इंसान को समझाते हुए नजर आई। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर मनीषा रानी ने जिस तरीके से सच्ची दोस्ती निभाई है, जिस तरीके से अपने दोस्त यानी कि फुकरा इंसान को शांत करने की कोशिश कर रही है, वो वाकई काफी जबरदस्त चीज है। फिलहाल आपको कैसा लगा मनीषा रानी का ये अंदाज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी फुकरा इंसान और एल्विस भाई के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।